नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, सावन का पावन महीना चल रहा है और आज है मंगलवार का दिन। तो आप यदि कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपने कोई लोन लिया है और आप उसके भंवर जाल में फंस चुके हैं। एक लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरा लेना पड़ता है और दूसरे को चुकाने के लिए तो बस आप समझ ही गए होंगे। तो भाई, ये कैसे आपको घेर लेता है, कैसे आपने देखा होगा लोन या फिर आपकी जो ईएमआई है वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कर्ज की समस्या में क्यों आप घिरे रहते हैं, ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उससे बचने का श्रावण मास में क्या है अचूक उपाय वो भी आपको बताएंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, आप जान पाएंगे कि आज आपके लिए रंग कौन सा अच्छा रहेगा। और यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री कूट कूट कर आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगी। इसी के साथ होगा सफलता का अचूक महा उपाय, बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम ऋण हर्ताय नमः। ओम ऋण हर्ताय नमः, जैसा कि मंत्र में ही निहित है, ऋण को जो हरे ऋण हर्ता, ओम ऋण हर्ताय नमः। यह मंत्र दोपहर के समय 108 बार जाप करने से आपके कर्ज की समस्या दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। इस मंत्र को आप जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 9 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य, जैसा कि आप जानते हैं इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि इस दिशा की ओर जाने से आपको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कर्ज के लिए कौन सा ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है और जो जिम्मेदार हो गया तो उस ग्रह की खासियत क्या है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, यह भी समझते हैं। कर्ज के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह को, मार्स को जिम्मेदार माना जाता है। कुंडली का छठा भाव और उसका स्वामी यानी कि सस्टेस भी कर्ज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। भाई, आपने एक कर्ज लिया तो दूसरा कर्ज उसको चुकाने के लिए ले लिया, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। कर्ज के भंवर जाल में यदि आप फंस चुके हैं तो ज्योतिष गुरु आपके साथ एक उपाय साझा करेंगे जो श्रावण मास के दौरान आपको करना है, आप हो जाएंगे कर्ज मुक्त। अक्सर छठे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में ना होने पर और मंगल ग्रह विशेष तौर पर पीड़ित होने पर समस्या बनी रहती है। एक कर्ज लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया और आप फंस जाते हैं इसके मकर जाल में। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल को साहस, शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और आपके पराक्रम का कारक भी कहा गया है। इतना महत्वपूर्ण होता है मंगल आपकी पत्रिका में। मंगल का मुख्य तत्व जो होता है वो होता है अग्नि तत्व और इसका जो मुख्य रंग होता है आप सभी जानते हैं लाल रंग होता है। विशेष तौर पर बहुत सारी स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि तांबा जो है वो इसकी धातु होती है और इसका जो अनाज होता है दान करने वाला, विशेष तौर पर वो कहा गया है लाल मसूर की दाल। यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, विशेष स्थितियों में लाल मसूर का दान भी दिया जाता है। ये जान लीजिए, मेष और वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो ये तो थी मंगल से संबंधित तमाम जानकारियां। कौन सा ग्रह आपके ऊपर कर्ज चढ़ा देता है, कैसे आप फंस जाते हैं, ये आपको बताने की कोशिश की। लेकिन सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास है आज, वो भी आपको बताऊंगा। पहले जानिए मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सलाह लें, शुभ रंग होगा लाल। वृषभ राशि, रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें,
अपनी वाणी पर संयम रखें, पिता का कहा माने, शुभ रंग होगा आपके लिए जम। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। अपने ऑफिस समय से पहुंचे, पिता से बिल्कुल झगड़ा ना करें, नौकरी में बदलाव से आपको फायदा हो सकता है, शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि जिस ग्रह के कारण आप कर्ज की स्थिति में पड़ जाते हैं और जो मुख्य रूप से कर्ज के लिए माना जाता है ग्रह, वो है मंगल ग्रह। यदि मंगल ग्रह अशुभ हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। उन दुष्परिणामों को भी आप जान लीजिए ताकि आप पहले से ही सावधान हो जाएं। मंगल यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पीड़ित है तो दुष्प्रभाव कैसे देता है, वो व्यक्ति क्रूर हो जाएगा, हिंसक उसका स्वभाव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने पर वो आमादा हो जाएगा। तो भाई आत्मविश्वास और साहस का स्तर तो समझिए कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल कमी हो जाती है आत्मविश्वास की। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन जायदाद के मामलों में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या उसको कोई जमीन खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। पैसा होने के बाद भी वो उस मकान को, उस फ्लैट को, उस जमीन को नहीं खरीद पाता। अक्सर व्यक्ति को मंगल पीड़ित होने पर रक्त संबंधी बहुत सारी समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसे व्यक्ति या तो ब्लड इंफेक्शन से मतलब पीड़ित हो जाते हैं, या फिर वो एनीमिक हो जाते हैं, रक्त की अल्पता हो जाती है, रक्त कम हो जाता है। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी हमेशा उनके साथ लगी रहती है, और कभी कभी तो ज्यादा पीड़ा होने पर जेल यात्रा भी हो जाती है। अक्सर विवाह का भाव यदि इससे संबंध बना ले, विवाह के भाव से इसका किसी भी तरीके से संबंध हो जाए, तो मान के चलिए जीवन साथी के साथ आपका अलगाव होता है, दाम्पत्य जीवन एकदम से खटास से भर जाता है, और रोज पारिवारिक कलह कलेश आपके घर में होता रहता है। तो समझ जाइएगा इन कारणों से कि भाई मंगल आपका पीड़ित है। तो श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की विशेष कृपा से आप इस पीड़ा से बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल ना घबराइए, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत खराब होने का योग है, कार्य करने में कोई लापरवाही ना करें, अपने मित्र की मदद करें, शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अपनी वाणी में मधुरता लाएं, भाई से अलगाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, व्यापार में नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के बढ़िएगा आगे, शुभ रंग है आपके लिए सफेद। अब आपको बताते हैं कि श्रावण का पावन महीना चल रहा है, यदि आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, मंगल देवता को कैसे प्रसन्न करें ताकि आप इस कर्ज से एकदम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, ये भी समझते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं आप कर्ज मुक्त हो जाएं, तो मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप मंगलवार का उपवास रखना आरंभ करें। इस दिन भूलकर भी आप नमक का सेवन ना करिएगा, ध्यान रखिए। नित्य प्रातः और साय यानी कि सुबह के समय और शाम को प्रदोष काल के समय हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। अगर कर्ज या मुकदमेबाजी हो रही हो तो मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ आप बहा सकते हैं, आपको फायदा होगा। अगर विशेष तौर पर मांगलिक दोष से आप परेशान हैं, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में मंगल है और आपको पीड़ा हो रही है, तो बिल्कुल ना घबराएं, लाल मीठी चीजों का दान मंगलवार के दिन आप जरूर करें, ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। मंगल के मंत्रों का जाप मध्य दोपहर में करने से भी अशुभ मंगल अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है, यानी कि अशुभ मंगल की पीड़ा हो जाती है कम, आप हो जाते हैं कर्ज मुक्त, आप हो जाते हैं कलह कलेश मुक्त। तो बिल्कुल ना घबराएं, कौन सा है वो मंत्र आपको बताते हैं, नोट करिए। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भूमाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम क्रां क्रीं क्रों सह भूमाय नमः। लाल चंदन की माला से, हो सके लाल मूंगे की माला से,
या फिर रुद्राक्ष की माला से 108 बार मध्य दोपहर में आप इस मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक मंत्र और दे देते हैं जो मंगल का मंत्र है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणम्याम्यहम। यानी मंगल देवता को आपको प्रणाम करना है, इस मंत्र का जाप करना है, हो सके तो आप 108 बार जाप करिए। देखिएगा कि पहले ही मंगलवार से आपकी कर्ज की समाप्ति धीरे धीरे आरंभ हो जाएगी, यानी कि जो आपकी जो ईएमआई चल रही है उसको चुकाने में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, मंगल देव की विशेष कृपा हो जाएगी आप पर। तो बिल्कुल ना घबराएं, ज्योतिष गुरु के उपाय जो हम आपसे साझा कर रहे हैं उसे आप अपना लीजिए, हर तरीके से फायदा होगा। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दांपत्य जीवन के कलह कलेश खत्म होंगे, किसी के साथ धोखेबाजी ना करें, बीमारी खत्म होने का योग दिख रहा है, शुभ रंग है आपके लिए हरा। वृश्चिक राशि, नौकरी व्यापार में फायदा होगा, नशे की चीजों से आप परहेज करें, दूर रहें, घर के बड़े बुजुर्गों की आपको सलाह जरूर लेनी है, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, व्यापारिक यात्रा ना करें तो बेहतर होगा, अपने मित्र को मनाने का प्रयास करें, छात्रों के लिए दिन सर्वोत्तम है, शुभ रंग है आपके लिए सुनहरा। तो मित्रों, अब समय हो चला है उनकी बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहे, आप स्वस्थ रहें, एकदम से मस्त रहें। यह वर्ष शुरुआत में आपके स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस वर्ष करियर में बदलाव बहुत सोच समझकर आप करें, लाभ की संभावनाएं कम हैं, तो इसलिए आप पहले ही सोच लीजिएगा बदलाव से पहले। इस वर्ष नवंबर के बाद रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी और आपके घर में धन की बरकत भी होगी। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए मंगलवार के दिन विशेष तौर पर आपको सुबह या शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। इस वर्ष पीपल के छोटे छोटे दो पौधे किसी धार्मिक स्थल पर आप जरूर लगाइएगा, आपका संपूर्ण वर्ष एकदम से अच्छा बीतेगा। एक बात और, बेसहारा और निर्धन बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान जरूर करिएगा, ऐसा करने से ये जो आने वाला वर्ष है आपको करियर की, सेहत की, धन की तमाम परेशानियां जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये छोटे छोटे उपाय जो ज्योतिष गुरु आपको बताते हैं आप उन्हें अपनाइए, आपको फायदा होगा। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, मित्रों से वाद विवाद ना करें, दोपहर बाद काम आपका बन जाएगा, शुभ रंग है गुलाबी। कुंभ राशि, शादी के योग में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, परिवार में एकजुटता बनाए रखें, सुबह के समय व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा जो भी चाहें आप जरूर करें, शुभ रंग है आपके लिए आसमान। मीन राशि, नौकरी से जुड़े लोगों को फायदा होने वाला है, व्यापार में आज के दिन निवेश ना करिएगा, पड़ोसी से संबंध आपके पहले से बेहतर होंगे, शुभ रंग है आपके लिए पीला। मित्रों, आपके अंदर आत्मविश्वास की यदि कमी है तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल से बढ़ा देगी। तो ये समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को जानने का, तो पहले आप वो जान लीजिए। आज के दिन कच्चे दूध में एक चम्मच गंगा जल मिलाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करिए, भगवान शिव की कृपा होगी, आपका कार्य सफल। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो अपने पैर की एड़ी फटने से बहुत परेशान हैं, बहुत आपने इलाज किया, उपाय किया लेकिन हुआ नहीं फायदा, अब फायदा हो जाएगा।
गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप अपने पैरों की सफाई करें और शुद्ध नारियल का तेल फटी हुई एड़ियों पर लगाकर आप आराम से सो जाएं। आपको फायदा होने लगेगा, आपकी समस्या धीरे धीरे कम होगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान और उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा हमेशा से हकदार हैं। देखिए, हमारी माताएं बहनें यदि चाहती हैं वो हर तरीके से सम्मानित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो अपने रसोई घर में कांच या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी टूटा हुआ सामान भूलकर भी ना रखिएगा और प्रतिदिन आज ही के दिन से शुरुआत करके अपने माथे पर केसर का तिलक करना आरंभ कर दें। यदि आपने आज ही के दिन से आरंभ किया, फायदा होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपका आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाता है। तो आज हम सभी माताओं बहनों के लिए, बंधुओं के लिए रसोई घर से लेकर आए हैं थोड़ी सी अजवाइन। कैसे ये प्रयोग में लानी है? एक मुट्ठी अजवाइन लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पास रख लीजिए, अपने शयन कक्ष में रख लीजिए, अपने कैरी बैग जो आप कैरी करते हैं उसमें रख लीजिए। आपको बहुत फायदा होगा, आपका आत्मविश्वास जो है एकदम से बढ़ जाएगा, आप किसी से भी बात करने में झिझकेंगे नहीं, आपको हेजिटेशन नहीं होगा, अपनी बात सामने वाले व्यक्ति के सामने आप बहुत आसानी से रख पाएंगे। तो ये तो था किचन का एक छोटा सा उपाय जो आपके आत्मविश्वास को हर तरीके से बढ़ा देता है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा, अपने मित्र, सखा, बंधु, रिश्तेदार, जिसके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी हो, आप इस उपाय को उसके साथ साझा करिएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया किस तरीके से आपके ऊपर कर्ज की समस्या बढ़ जाती है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है और कर्ज से बचने का श्रावण के पावन महीने में कौन सा महा उपाय आपको अपनाना है। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।